हेलो पिला माने आज हमे नवम श्रेणी रो ज्योग्राफी रे थिबा अर्थनीति संबंध रे पढिबा तो अर्थनीति रे हमे पढिथिले पूर्वरु अर्थनीतिक विकास कहले कोन बुझा मुंड पिछा आय केमिति निरूपण करा जाय थाय जातीय आय के परिभाव रे निरूपण करा जाय थाय जो हमरो विकास रो स्तर को नेई कि परिभाव रे देश गुडी को 2006 मसिया रे विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास चिट्ठा अनुसार कि परिभाव रे दुई भाग रे विभक्त कराय छि देश गुडी को विकसित देश एवं विकासोन्मुखी देश विकसित देश गुडी कर विशेषत्व कोन विकासोन्मुखी देश गुडी कर विशेषत्व कोन ए सब संबंध रे हमें पूर्व पढ़िथिले केऊ देश गुडी को साधारणत विकसित देश बोली कहा जाय थाय साधारणत हमें आगुरु पढ़िथिले विश्व विकास चिट्ठा 2006 अनुसार जेऊ देशर मुंड पिछा वार्षिक आय 4,35,500 टंका रु अधिक से देश गुडी को विकसित देश बोली कहा जाय थाय एही देश गुडी कर कौन जो वैशिष्ट होती कौन यही देश में तीनो वैशिष्ट रही शिल्पोन्नत ज्ञानकौशल खूब उन्नत वैषयिक ज्ञानकौशल खूब उन्नत पारंगम यही देशर अधिकांश लोक अणपारंपरिक क्षेत्र में नियोजित एवं यही देशर लोक मानकर जीवन जापन शैली खूब उन्नत बा उच्चमान एवं विकासोन्मुखी देश गुड़िक भितर कौन अच्छी ना जो देशर वार्षिक मुंड पिछा आय 4,35,500 टंका रु कम से ही देश गुड़ी को साधारणतः विकासोन्मुखी देश बोली कहा जाए था चारोटी वैशिष्ट अच्छी ए देश गुड़िक शिल्पायन क्रमश द्रुतगति में वृद्धि पाइबार लगी देश गुड़िकर वैषयिक ज्ञानकौशल एत उच्चकोटीर नुहे यही देश गुड़िकर अधिकांश लोक पारंपरिक क्षेत्र में नियोजित यही देशर अधिकांश लोक साधारणतः से मानकर जीवन धारण मान खूब अनुन्नत तेणु विकासोन्मुखी देश को पुणी द्विभाग विभक्त कराई पुनश जो मध्यवित्त विकासोन्मुखी देश एवं न्यूनमान विकासोन्मुखी देश जो देला आमर 33,500 टंकारु 4,35,500 टंका मध्य वार्षिक मुंड पिछा आय थिबा देश मानंकु मध्यवित्त विकासोन्मुखी देश बोली कहा जाय थाय ब्राजिल ईरान अर्जेंटीना श्रीलंका इत्यादि सही प्रजातिर देश एवं सहीपरी जो देशर मुंड पिछा वार्षिक आय 33,500 टंका रु कम से देश को एक निम्न आय वर्गर देश भाव में विवेचना करा जाय थाय भारत पाकिस्तान बांग्लादेश केनिया इत्यादि देश सही प्रजातिर देश तो मानव विकास सूचक विषय आज आम पढ़ा आज अध्याय हूँ मानव विकास सूचक कहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनियन नेशन ऑफ डेवलपमिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 मसीहा परठारु पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़िक कौन कर पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़िकर मानव विकास सूचक नियंत्रण करणय कर मानव विकास चिट्ठा से प्रस्तुत करुच्ची सूचक को अर्थनैतिक विकास सर्वाधुनिक पद्धति परिमापक पद्धति बोली कहा जाए था भाव में ग्रहण कर सूचक तीनो उपाय अवलंबन करोपादान ए अंतर्भुक्त अच्छी कौन जन्म समयर आयुर संभावना अर्थात से देशर लोक मानकर जन्म समय ठारु आयुर संभावना केते अच्छी ता निर्णय करिबा लाइफ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेंसी बा एक्सपेक्टेशन बोली कही परिबा साक्षरता हार लिटरेसी रेट से मानकर साक्षरता हार केते अच्छी से देशर से माने शिक्षित ना अशिक्षित अधिक तापरे से मानकर पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा आय वार्षिक केते अच्छी ताकू मध्य निर्णय करै छी एही तीनोटी को मुख्य उपादान भाव में नहीं मानव विकास सूचक निर्णय करा जाय थाय बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निर्णय करा जाय थाय तो विश्व विकास जो सॉरी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह सहजरे प्रस्तुत करा जाउ अछि तो यही सूचक अनुजाई पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़ी को कौन कर तीन भाग में विभक्त कर दि जाए शून रु शून दशमिक पांच शून शून पर्यंत शून रु शून दशमिक चार नौ नौ पर्यंत जे देश गुड़िक अच्छे ताहाकु निम्न आय विशिष्ट देश कहा जाए
हला कि तो शून दशमिक चार नौ शून दशमिक चार नौ शून दशमिक पांच शून शून रु शून दशमिक सात नौ नौ ये पर्यंत थिबा देश शून दशमिक पांच शून शून रु शून दशमिक सात नौ नौ पर्यंत थिबा देश गुड़िक दशमिक टी ठीक भाव देख प्राय समय दशमिक देखा जाऊनि शून दशमिक सात नौ नौ पर्यंत थिबा देश गुड़ी को मध्यवित्त विकास उन्मुखी विकास उन्मुखी देश विकास उन्मुखी देश ना शून दशमिक आठ शून शून रु अधिक बा एक पर्यंत एक पर्यंत विकसित विकसित देश तो आम देशर जो मानव विकास सूचक देछि जनरली आमर दुई उन्नीस अनेशत ठार दुई हजार पाँच मसीहा पर्यंत आम देशर मानव विकास सूचक स्थिर रही शून दशमिक पाँच सात एक रही मानव विकास सूचक मूल्य एक है एक विकसित देश एक को नहीं कि एक रु कम देश ये गुड़ी ये भाव में विभाजन करोटी भाग में विभाजन कर तो एथिरे देला एही सूचक अनुजाई पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़ी को शून शून दशमिक पाँच एवं एक सोपानभुक्त करोगुड़ सूचक मूल्य शून रु शून दशमिक चार नौ नौ से विकास स्तर निम्न ये लिखिदेली पर्यंत जो देश गुड़िक अच्छी ताक निम्न आय विशिष्ट देश कहुए तो शून दशमिक पाँच रु शून दशमिक सात नौ नौ पर्यंत थिबा देश गुड़िकर मध्यवित्त विकासोन्मुखी देश बा आय मध्यम बोली कहुए विकास उन्मुखी देश बा गुड़ी को मध्यम आय मध्यम आय विशिष्ट देश एवं आउ कौन रहा नहीं ये हूँ विकसित देश आय अधिक उच्च आयकारी देश उच्च आयकारी देश ये तीन भाग में विभक्त करा जाए तेणु पाने भारत देख दे मुझे जोटा कहूली उन्नीस अनेशत मसीहा तथ्य अनुजाई भारत विकास स्तर शून दशमिक पाँच सात एक जोटा कि दुई हजार पाँच पर्यंत स्थिर था यापर यार कौन पर कथा हस्तगत ना किंतु निश्चय जहाँ भी हूँ निम्नलिखित सारणी को लक्ष्य कले आम भारत और तार किसी पड़ोसी देश मान संस्पर्श विकास स्तर को तुलना करी श्रीलंका को देखा श्रीलंकार मुंड पिछा आय यूएस डॉलर रे चार हजार तीन सौ नब्बे डॉलर जन्म समय आयुर संभावना दे चौस्तरी चौस्तरी वर्ष साक्षरता हार साक्षरता हार मात्र एकानबे प्रतिशत एवं मानव विकास सूचक रैंक जोटा कि एस डी आई बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जोटा अच्छी विश्व तार रैंक हूँ तेयानबे विश्वर तेयानबे रैंक में सी अच्छी भारत स्थान यूएस भारत मुंड पिछा आय यूएस डॉलर रे तीन हजार शहे अणचाश टाँचा सरी अणचाश डॉलर एवं जन्म समय आयुर संभावना रही चौसठ वर्ष एवं यार साक्षरता हार मात्र एकसठ प्रतिशत एवं यार स्तर बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो स्तर अच्छी रैंक रही से रैंक के शहे छबिश पाकिस्तान रो मुंड पिछा
आय जोटा अच्छी डलार यूएस डलार 2225 यूएस डलार एवं जन्म समय आयुर संभावना अच्छी 63 वर्ष से मानकर साक्षरता हार मात्र 50% एवं मानव विकास सूचक एमानकर स्तर होची 134 नेपाल 1490 यूएस डलार मुंड पिछा आय जन्म समय आयुर संभावना अच्छी 62 एवं एमानकर साक्षरता हार 50 एवं एमानकर जो मानव विकास सूचक रैंक जो अच्छी से 138 बांग्लादेश 1870 यूएस डलार जन्म समय आयुर संभावना रहा 63 वर्ष एवं एमानकर साक्षरता हार मात्र 41% जोड़े कि सर्वनिम्न साक्षरता हार बोली कई पारे एवं से मानकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती के 137 या पर देखिए पिलाए अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था क्या कह तो अर्थव्यवस्था कहले साधारणत आम जेकोसी गोटे कार्यरत आम कम कर मानते खाद्यपी कौन दरकार अर्थर आवश्यकता रही मानने काम आम करवल अर्थ उपार्जन निम्ते तो जनसाधारण से जीविका निर्वाह पाई दैनंदिन किसी ना कि कार्य कर कार्य कृषि हो पाए कलकारखाना हो पाए कि ऑफिस बैंक प्रभृति विभिन्न अनुष्ठान पाए से माने ये कार्य को संपादन करती बजार में बिक्री करुवा दोकानी यही कार्य अंतर्भुक्त बिक्री करुवा दोकानी बा शिक्षक शिक्षा दान कर शिक्षक बैंक कर्मचारी कि अन्यान्य कृषि कार्य करुवा कृषक एम जो कार्य कर कलकारखाना काम कर श्रमिक एम सब कम करती कौन पाई किसी वेतन किसी अर्थ उपार्जन निम्ते हाँ तेणु से हीपरी आम सरकारी सरकार कि लोक नियोजन कर नियोजित कर द्रव्य और सेवा जोगेवाई अर्थनैतिक कार्य कि अर्थनैतिक कार्यगुड़िक कौन सी एक निर्दिष्ट ढांचारे जदि परिचालित तो हो निर्वाहित तो हेले से ढांचा को कौन कहुए अर्थव्यवस्था बोली कहुए पिलाए अर्थव्यवस्था कहले सीधा सख भाव में आम कौन कहीपर ना जो अर्थनैतिक कार्यगुड़िक कौन से एक निर्दिष्ट ढांचारे परिचालित बा निर्वाहित होर्थव्यवस्था बोली कहुए तेणु अर्थव्यवस्था होती अर्थनैतिक कार्य निर्वाह संगठन और परिचालना एक सम्मिलित ढांचा यह लोक मानक बचार उपादान जोगे था चिंता कर देख आम पूर्व कौन कहली अर्थव्यवस्था कहले सीधा सख भाव में जो मैंने सब कर्म निजुक्ति पाई नियोजन अच्छा कर्म नियोजन अच्छा से कार्य नियोजन कार्य नियोजित होती यहीपाई किसी अर्थ रोजगार करेंगे निजर जीविकार्जन करेंगे तो यह एक निर्दिष्ट ढांचारे परिचालित हो शिल्पानुष्ठान उत्पादन ठारू आरंभ कर र मेटेरियल आसूसी उत्पादन हो पुणे परचे मानने बजार में जा पहुँचुच बजार पुणे लोक मानक पहुँचुची ये गोटे निर्दिष्ट ढांचारे परिचालित होटा को कौन कौन आम ना अर्थ संपर्कित समस्त प्रकार कार्य रही से निर्दिष्ट ढांचारे परिचालित हो तेणु यह अर्थव्यवस्था बोली कोक बचार उपादान जोगाई थाए पूर्ण नियोजन विकास जो दरदाम स्थिरता नियंत्रण वो लोक कल्याण आदि अर्थव्यवस्था केतक मुख्य उद्देश्य अटे यहाँ अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से कौन करे ना संपूर्ण रूप लोक मानू एक उचित मार्ग से परिचालन कर सहायक हो थाए तेणु पिलाए अर्थव्यवस्था निर्वाहित तो विभिन्न कार्यगुड़ी आम देखा अर्थव्यवस्था निर्वाहित होता अर्थनैतिक कार्यगुड़ी मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर कौन कौन ना उत्पादन उपभोग एवं संचय व पुंजी गठन देख आम कम कर उत्पादन करने कम कर आम कम करें अर्थ रोजगार कले उपभोग कले जहाँ आम उत्पादन कले उपभोग कले आम जहाँ उत्पादन कले जी व्यवहार कले उपभोग कले उत्पादन एवं उपभोग मध्य जो पार्थक्य रोचा हूँ संचय व पुंजी गठन जी उत्पादन कले जदि से परिमाण में उपभोग करदे आम संचय हो जीरो जदि आम उत्पादन अधिक कर उपभोग कम करते निश्चित भाव में कौन हो संचय किसी परिमाण में हो तो उत्पादन को कौन कहुए जो प्रक्रिया द्रव्य व सेवा विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगिता सृष्टि करते उत्पादन बोली कहुए हाँ तो लुहा पथर रु लुहा धान चाष पाउरुटी प्रस्तुति इत्यादि उत्पादन अंतर्भुक्त उपभोग है जनसाधारण करने जो जनसाधारण व्यवहार करने द्रव्य व सेवार उपयोग को बुझाई था उपभोग एवं भोक हेले आम खाद्य खाइबा जरूरी से खाद्य खाइबाटा ही आमर एक प्रकार उपभोग खाद्यर उत्पादन
कृषक माने करथिले खाद्य खाइबा उपभोग हैला एवं जति परिमाणर उत्पादन हेइथिला जदि ताठर कम परिमाणर आमे खाद्य खाइले ताले किछि मध्ये किछि परिमाणर आमे संचय कले बा जमा रखिले सेटा को पूंजी गठन बोली कहगला संचय हैला कोन उत्पादन फेडाण उपभोग तो उत्पादन उपभोग तारतम्य को संचय बोली कहिबा संचय रु ही पूंजी गठन संभव होइथा एवं एहा को व्यवहार करी उत्पादन वृद्धि करा जाय थाए तेणु ये जो देख एक ये एटा एक निर्दिष्ट ढांचा रे भी परिचालित होउछि तेणु एहा को मध्ये एक अर्थव्यवस्था रा कोन निर्वाहित विभिन्न कार्य बोली सेइ पय तक कहा जाय छि हां या परे अर्थव्यवस्था रे विभिन्न क्षेत्र को देखिबा क्षेत्र कोन ना परिवार ठारु आरंभ करी कि सरकारी पर्यंत सब होचंती गोटे गोटे क्षेत्र परिवार अछि प्रतिष्ठान अछि सरकार अछि वैदेशिक क्षेत्र मध्य रहिछि ये सब गुडी गोटे गोटे क्षेत्र तो एठी देला मोटामोटी भाबरे चारटी क्षेत्र अछि मु जोडै कइसारिनी परिवार प्रतिष्ठान सरकार एवं वैदेशिक क्षेत्र परिवार कहले आमे गोटे घरे एकक बासक बा एकत्र रांदिकी खाउथिबा लोकमानक नैकी जोटा गठन करचंती व्यक्तिमानक समाहारक नैकी आमे कोन करि परिबा ना परिवार बोली कहिबा एथिरे समानक मध्यरे गोटे पारिवारिक संपर्क मध्य रहिथाय प्रतिष्ठान हैला प्रतिष्ठान हेउछि अर्थव्यवस्था एक मौलिक उत्पादनकारी संस्था अर्थव्यवस्था एहा हेउछि मौलिक उत्पादनकारी संस्था एथिरे उत्पादन होइथाय उत्पादन साधन मानक आयोजित एवं व्यवस्थित कार्य द्रव्य बा सेवा उत्पादन करथुबा संस्था गुडी को प्रतिष्ठान बोली कहा जायथाय सरकार अर्थव्यवस्थार कार्यगुडी को सुपरिचालन करने सुचारू रूप से परिचालना और नियंत्रण करने निहाती आवश्यक यह गणतांत्रिक देश मान लोक द्वारा ही परिचालित होता है लोक मैंने ही निजर कौन गठन करती ना सरकार गठन करती सरकार द्वारा जेहेतु परिचालन होता है तेणु प्रत्यक्ष भाव में लोक मान द्वारा परिचालित होता है अतिक्ति हम ना तो परिवार एवं प्रतिष्ठान मध्य सुसंहति समन्वय ओ जोगसूत्र रक्षा करिबा हला सरकारंकर मुख्य कार्य बा मुख्य अर्थनैतिक कार्य सरकार उत्पादन पाई सुविधा एवं सुजोग उपभोग पाई द्रव्य एवं सेवा इत्यादि जोगाई दिथांती सरकारंकर होचे हा होचे मुख्य कार्य वैदेशिक क्षेत्र पृथ्वीर विभिन्न देश मानंकर ही वैदेशिक क्षेत्र माध्यम रे ही कोन होइथाय द्रव्य जो रप्तानी आमदानी इत्यादि सहज होइथाय आमदानी एवं रप्तानी र माध्यम रूप से यही वैदेशिक क्षेत्र कार्य करिथाय केतक क्षेत्र में पूंजी एवं जो वैषयिक ज्ञानकौशल आदान प्रदान यह मध्यम होता है यह एक एपरी अनुष्ठान जहाँ मध्यम पृथ्वीर विभिन्न देश विश्व वाणिज्य संगठन मध्यम आगे को पढ़ा विश्व वाणिज्य संगठन विषय पृथ्वीर जिते गुड़े देश अच्छी विश्व वाणिज्य संगठन सदस्यता लाभ करी से परस्पर मध्य जो द्रव्यर आदान प्रदान करती जहाँ को आमदानी और रप्तानी नीति बोली कहा जाए यह केवल यही वैदेशिक क्षेत्र मध्यम ही संभव होता है तेणु पिलाए पुनश्च अर्थनैतिक कार्यवल को भित्तिक अर्थव्यवस्था कोनोटी क्षेत्र में विभक्त करटा गला कौन ना आय जातीय आयर आकलन को आखि आगे रखिकी अर्थव्यवस्था को साधारण अर्थव्यवस्था को चारोटी क्षेत्र में विभक्त कर दिगला एटा कि अर्थनैतिक कार्यवल को भित्त करोटी क्षेत्र कर दिगला परवर्त समय या संबंध में पढ़ा प्राथमिक बा मौलिक क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र या संबंध में आम परवर्त समय आलोचना करवा आज समय हो जाए धन्यवाद पिला घर रुरक्षित रर्तमान स्थित बहुत गंभीर नमस्कार रही।